गुड मॉर्निंग एवरीवन, मायसेल्फ परियो मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा, राजस्थान। आज के इस लेक्चर में हम कंट्रोल सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडल, कंट्रोल सिस्टम में हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में मेरे द्वारा आपको ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कंसेप्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया गया था। उससे पहले मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी बताया था, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में एक इस पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी यदि कंट्रोल सिस्टम में कोई भी चीज़ आपको यदि ट्रांसफर फंक्शन मिल जाए, ठीक है, और उसमें लिखा हो कि इसको आपको लिखना है टाइम कॉन्स्टेंट की फॉर्म में। ये क्वेश्चन को मत देखो आप, क्वेश्चन को बाद में समझाऊंगा मैं। मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जो आउटपुट है, क्वेश्चन का जो ट्रांसफर फंक्शन है, वो आया आपका सी एच डिवाइड बाई आर एस बराबर ये चीज आ गई, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में क्या करा मैंने, इसी को जो ट्रांसफर फंक्शन है इसमें से मैंने -7 को कॉमन ले लिया और ये आ गया आपकी फॉर्मूला। यदि मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ± TS, ठीक है, ये इसकी टाइम कांस्टेंट फॉर्म हो गई। टाइम कांस्टेंट फॉर्म ये हो गई, तो इसमें क्या लिखोगे आप, टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म, तो मतलब मैं 1 ± TS की फॉर्म में इसको लिखूंगा, ठीक है, 1 ± TS की फॉर्म में लिखूंगा। तो इसमें यहाँ पे ये देखो, इसमें क्या है 15/7, ये 7 है, फिर 15/7 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करूँगा, 15/7 को कॉमन ले लूँगा। जैसे मैंने 15/7 को कॉमन लिया तो उसको 1 आपका गया इसके अंदर, और इसके अंदर आ गया 7/15S, ठीक है। जैसे मैंने 2 को कॉमन लिया तो 2 बराबर आ गया 1 ± 0.5S, और फिर जैसे इसमें से तो कुछ कॉमन लिया क्योंकि 1 + S की फॉर्म ऑलरेडी लिखा है, मतलब 1 + TS, मतलब T है या तो कोई भी कॉन्स्टेंट की फॉर्म, ठीक है, तो उस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो आएगा आपका K × 1 + TS, और नीचे डिवाइड बाई 1 + T1S + 1 + T2S, ठीक है। जब k की वैल्यू आ जाएगी आपकी सीधी सीधी -0.5, ठीक है। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैथमेटिकल मॉडल है, मैथमेटिकल और मॉडल इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आपने जैसे नेटवर्क सिस्टम है, तो नेटवर्क सिस्टम में आपने दो चीज़ पढ़ी होंगी, एक तो 2-पोर्ट नेटवर्क देखा होगा, एक 1-पोर्ट नेटवर्क देखा होगा, ठीक है, एक तो सिंगल पोर्ट नेटवर्क और एक 2-पोर्ट नेटवर्क। तो इस सिंगल पोर्ट नेटवर्क का मतलब एक ही पोर्ट होता है, दिस इज द ओनली 1 पोर्ट, and into the total 2-port network दे दीजिए 2 ports, 1 in this side and other in this side, ठीक है। तो सिंगल पोर्ट में when we apply the V then current is flow in this network, ओके। तो इसके द्वारा हम यदि करंट फ्लो हो रहा है तो इसके द्वारा हम दो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हम इसका इम्पिडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं या हम इसका एडमिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इम्पिडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस का मतलब हुआ कि वोल्टेज डिवाइड बाई करंट, और जबकि एडमिटेंस का मतलब हो गया आई करंट डिवाइड बाई वोल्टेज। तो वोल्टेज डिवाइड बाई करंट है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो इम्पीडेंस को ZS बराबर VS डिवाइड बाई IS। इसी प्रकार से एडमिटेंस को आप रिप्रेजेंट करते हो YS बराबर IS डिवाइड बाई VS, ठीक है, ये हो गया करंट डिवाइड बाई वोल्टेज, ठीक है, ये आपका गया एडमिटेंस और ये आपका आ गया है इम्पीडेंस। तो ये ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन है, इस ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन के माध्यम से, और ये सिंगल पोर्ट है, इसके माध्यम से हम दो चीज़ कैलकुलेट करते हैं, एक तो एडमिटेंस और दूसरा सेकंड है इम्पीडेंस, ठीक है। जबकि 2-पोर्ट नेटवर्क है, उस 2-पोर्ट नेटवर्क के माध्यम से हम इसमें तीन चीज़ कैलकुलेट करते हैं, एक तो वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन, एक करंट ट्रांसफर फंक्शन, एक ट्रांसफर इम्पीडेंस
हालांकि इसमें ट्रांसफर एडमिटेंस भी हम कैलकुलेट करते हैं, एक सेकेंड, हाँ एडमिटेंस भी करते हैं, चार चीज़ कैलकुलेट करते हैं, एक सेकेंड, हाँ ट्रांसफर एडमिटेंस भी करते हैं। तो देखो इसके साथ में एक पेज अलग से लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ से इधर की साइड वाला एक पार्ट है, तो यहाँ पे एक पेज लगा हुआ था, इसके इधर की साइड पेज मतलब वहाँ पर लिखी हुई है कोई डेटा, तो वो डेटा कहाँ लिखे हुए वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो लिखे हुए इस जगह पे, ठीक है, तो ये आगे वाले पेज पे, तो ये आपको देख लेना एक्चुअली वही से लिखा हुआ था। तो इसमें चार चीज़ आप कैलकुलेट करते हैं, एक तो वोल्टेज ट्रांसफर पर रेशियो, एक करंट ट्रांसफर रेशियो, एक ट्रांसफर इम्पीडेंस और एक ट्रांसफर एडमिटेंस। तो वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो का मतलब हुआ कि आपका क्या वोल्टेज ट्रांसफर हो रहा है इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट के बीच में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V1 है, इस इनपुट पोर्ट पे इस V1 के अक्रॉस करंट जा रहा है I1, और ये है आपका V2, और V2 के अक्रॉस करंट जा रहा है आपका I2, ठीक है। तो V1 और I1 और V2 और I2 इनकी मतलब इनके माध्यम से मैं करंट ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर इम्पीडेंस, ट्रांसफर एडमिटेंस और वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो निकालूंगा। तो वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो होता है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं जी टू वन, जी टू वन। इस पे जो पहला वाला टू है ये रिप्रेजेंट करता है आपके आउटपुट को, तो इसको लिखते हैं वी टू एस और वन को लिखते हैं वी वन एस, ठीक है। ऐसी तरीके से करंट ट्रांसफर रेशियो होता है, इसमें आउटपुट वाले जो करंट है इसको लिखते हैं आप आई टू एस और इनपुट करंट को लिखते हैं आई वन एस, ठीक है। इसी तरीके से ट्रांसफर इम्पीडेंस होता है, ट्रांसफर इम्पीडेंस तो इसमें इसको क्या लिखते हैं वी टू, मतलब यदि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट यदि करंट तो इसको वी वन एस डिवाइड बाई आई टू। इसी तरीके से यदि आउटपुट वोल्टेज है और इनपुट करंट है तो इसको लिखते हैं वी टू एस डिवाइड बाई आई वन। इसी तरीके से यदि एडमिटेंस की बात करूँ मैं तो एडमिटेंस को आप लिखते हो आई वन टू एस को करंट इनपुट की साइड का करंट, क्योंकि वन पहले आ रहा है, ठीक है, तो आई वन एस और वी टू एस, वाई टू वन एस इसको कैसे लिख देंगे आई टू एस और वी वन एस, ठीक है। इस तरीके से आपने टू पोर्ट नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन है वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। द पोल एट जीरो ऑफ ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन हैव सर्टेन रेस्ट्रिक्शन दैट इज दे आर सिग्निफाई ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट ओनली, ठीक है। तो इसमें पोल और जीरो होते हैं ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन के लिए, ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन का मतलब हुआ है सिंगल पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। तो इसके लिए थोड़े रेस्ट्रिक्स होते हैं और ये केवल ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट को बताता है। पोल एट जीरो ट्रांसफर फंक्शन डू नॉट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन टू यूज द पर्पज ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें के बाद जो मैंने ये बनाया मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, तो ये एक आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज दैट सिस्टम दैट कंटेन्स द रेजिस्टेंस इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड पावर सप्लाई बाय एनी सोर्स एंड पावर सप्लाई एनी सोर्स। सो इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम जहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है आर है, एल है और सी है, आर एल और सी। इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, वी एस बराबर आई एस आर एल डी आई बाई डी टी वन बटे सी आई डी टी। तो वी एस बराबर क्या जाएगा आई एस बटे आई एस इंटू आर, ठीक है। यदि मैं वोल्टेज डोमेन में मतलब टाइम डोमेन की बजाय मैं उसको लाप्लास डोमेन में लिखूँ तो वी एस और आई एस, तो वी एस बराबर हो जाएगा आई एस इंटू आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। तो एल एल तो यू भी आ जाएगा, इसके बाद में जो ये आर है डी आई बटे डी टी ये अवकलन है, अवकलन का मैंने आपको बताया था पहले पिछले लेक्चर में, ये था, ठीक है। तो इसका जो यदि एफ टी है तो एस एफ एस हो जाता है, तो ये इस जगह पे यहाँ पर अवकलन लग रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा एस आई एस, ठीक है। आई टी लिख रहा है मतलब ये आई जो लिखा हुआ है तो ये टी लगाया नहीं है, मतलब ये टाइम डोमेन में है, टाइम डोमेन का पता कैसे लग रहा है क्योंकि डी आई डी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। तो टाइम डोमेन में, तो इस टाइम डोमेन को यदि मैं लाप्लास में लिखूंगा और इसका डेरिवेटिव है आई का तो इसको मैं लिख दूंगा एस आई एस, तो एल एस आई एस। इसी तरीके से यदि मैं अवकलन समाकलन सॉरी इंटीग्रेशन का देखूँ तो उसको यदि ये टाइम डोमेन में है तो टाइम डोमेन में उसमें आ जाता है एस डिवाइड बाई एस डी जी से, ठीक है। तो ये वन बटे सी एस आई एस, ठीक है। तो वी एस बराबर हो जाएगा आपका आई एस आर एल एस वन बटे सी एस,
इसके अंतर फिर जेड एस बराबर क्या हो जाएगा, जेड एस बराबर आ जाएगा आपका वी एस डिवाइड बाई आई एस, ठीक है, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट, तो ये हो जाएगा आर एल एस प्लस वन बटे सी एस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल सी एस स्क्वायर प्लस वन प्लस आर सी एस बटे सी एस, ठीक है। तो इसमें आर एल और सी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वन, ठीक है। यदि आर और सी की एल सी की वैल्यू वन है तो इसको एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन, ये आ गया आपका जेड एस। अब इसके लिए यदि मैं जीरोज कैलकुलेट करूँ तो जीरोज में कैलकुलेट करूँगा तो इसके लिए जीरोज हो जाएंगे माइनस वन बट माइनस वन, मतलब अब इसको आप सॉल्व करोगे धराचार्य विधि के द्वारा, उसमें धराचार्य फॉर्मूला होता है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, ठीक है। तो माइनस वन प्लस माइनस वन आ गया, ये बी की वैल्यू क्या है वन, इसका स्क्वायर करेंगे तो वन वन माइनस फोर फोर, और ए और सी की वैल्यू क्या है वन वन, तो फोर आ जाएगा डिवाइड बाई पूरे के डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो इसको क्या लिख दोगे यहाँ पे, माइनस जीरो पॉइंट पाँच प्लस ये माइनस तीन अंदर आएगा, तो उसका उसको जे मतलब उसको मैं इमेजनरी फॉर्म में लिखूंगा जे रूट थ्री थ्री बाई टू, ठीक है। तो इसमें क्या, और इसके अंदर पोल है, पोल कहाँ पर आ रहा है, एस बराबर जीरो पे। तो मैंने एक चीज़ बताई थी ऊपर की साइड आपको पहले पिछली क्लास में कि एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन ये ट्रांसफर फंक्शन है डिवाइड बाई एस, तो इसका जो ये न्यूमेरेटर है तो न्यूमेरेटर से तो अपन दिखा लेंगे, न्यूमेरेटर मतलब इसका ऊपर वाले को बोलते हैं ना न्यूमेरेटर, तो इसके ऊपर वाले जो ये अंश वाला हिस्सा होता है इस अंश और नीचे को हर को, तो अंश को मैं इक्वल टू करूंगा जीरो के, तो ये अंश को मैंने इक्वल टू करा जीरो के, तो इस प्रकार आपकी जीरो आ गई, ठीक है। जीरो कहाँ कहाँ आई, इस जगह पाई। इसी तरीके से यदि मैं पोल को लिखता हूँ एस बराबर जीरो पे, तो मतलब जो डिनोमिनेटर जो इसका हर है उस पर यदि मैं एस की वैल्यू इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो उस पर आ जाएगा पोल। तो पोल तो कहाँ आ गया आपका, पोल आ गया आपका जीरो पे, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया पोल। पोल को मैंने बताया था क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब जीरो है जीरो का आएगी इस जगह मतलब माइनस जीरो पॉइंट पाँच है, तो एक तो इस जगह पर आएगी प्लस जे रूट थ्री थ्री बाई टू, और एक आ जाएगी इस जगह पे माइनस जे रूट थ्री बाई टू, ठीक है। तो इस तरीके से फाइंड जेड एस एंड प्लॉट पोल एंड जीरो, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस प्रकार से हम इसकी पोल और जीरो पैटर्न को बना देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, ये कोई जेड इसके मतलब इसमें बोल रहा है, इसमें लिख रहा है कि हमें जेड एस फाइंड आउट करना है, मतलब उसका इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है, और इस जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उसकी पोल और जीरो को प्लॉट करना है। तो अब ये इंडक्टर था, तो इंडक्टर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, वन बटे एस, और जबकि कैपेसिटर का होता है वन बटे एस, ठीक है। वो पिछली क्लास में वो पिछले इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ है, क्योंकि इंडक्टर होता है उसमें डायरी एल डी आई वाई डी टी होते हैं, और जबकि कैपेसिटर होता है उनकी वन बटे सी आई डी टी होता है। तो अब मैंने क्या किया इसके अंदर, ये मैंने लापला इसकी टाइम डोमेन में ये मैंने ये ऑलरेडी आपको एस डोमेन में दे रखा था, एस वन बटे एस और एस और वन बटे एस। अब मुझे क्या करना है, ये ऐड करना है, मतलब इसका इम्पीडेंस निकालना है, एक इम्पीडेंस मतलब यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस करंट। तो इसको क्या लिखोगे, एस प्लस वन बटे एस, और फिर ये क्या करोगे पैरेलल टू इसके वन बटे एस, ठीक है, वन बटे एस इसके पैरेलल हो जाएगा, प्लस ये जो एस है इसको अपन एस कर देंगे, ये इसका इम्पीडेंस आ गया, ठीक है। तो आप इसके सॉल्व करोगे तो ये क्या, इसको आप लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एस मल्टीप्लाई बाई वन बटे एस, ठीक है, डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस वन बटे एस प्लस वन बटे एस प्लस एस, तो वन बटे एस है ये ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस टू बटे एस, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा एस। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूँ, इसको मैं फाइनल सॉल्व करता हूँ, जैसे अब इसने देखिए यहाँ पे बता रखा उसको छोड़ो, इसको देखो एस ये दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या आ जाएगा एस प्लस वन बटे एस, एस प्लस वन बटे एस है उसको क्या लिख दिया इसने एस स्क्वायर प्लस वन, तो मतलब ये यहाँ पे आ गया, तो मतलब इन दोनों को इक्वल टू मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ। अब इसके बाद आ जाएगा वन बटे एस, वन बटे एस आ गया तो पैरेलल लिखते हैं, तो वन बटे एस मल्टीप्लाई बाई एस स्क्वायर
प्लस वन डिवाइड बाई एस और फिर वन बटे एस प्लस ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी आ गई इस जगह पे, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद में ये एक एस बचा, तो इस एस को मैंने ये ऐड कर दिया। इस एस को ऐड करने के बाद में ये फाइनल आपकी इक्वेशन आ गई किसकी, इम्पीडेंस की, ठीक है। ये इम्पीडेंस की आपकी इक्वेशन आ गई, तो इसमें जेड एस बराबर आ जाएगा, ये एस क्यूब टू प्लस टू एस ये इधर आ जाएगा, तो एस फोर टू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एस क्यूब प्लस टू एस टू एस ये इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका जेड एस की वैल्यू। तो इसने क्या चीज़ पूछी थी, इसने बोला जेड एस, जेड एस कैलकुलेट हो गया। अब इसके अलावा इसके हमें निकाल लें पोल और जीरो, पोल निकाल लें, मतलब जीरो निकालते हैं, जीरो निकाल लेंगे तो ऊपर वाले जो हिस्सा है, जो ऊपर वाला अंश वाला भाग है, उसको मैं इक्वल टू मतलब एस फोर थ्री एस स्क्वायर प्लस वन इसको इक्वेट टू जीरो करूँगा, तो फिर ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन जीरो के लिए। अब इसमें ये मैंने मान लो एस स्क्वायर को मैंने कर लिया, ये है गामा, तो गामा को मैं पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी गामा की फॉर्म में, और इस गामा की वैल्यू आ जाएगी ये चीज़ माइनस एक पॉइंट पाँच प्लस माइनस एक पॉइंट एक एक। यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये दो वैल्यू आएगी, एक तो माइनस जीरो पॉइंट एक तो देगा ये माइनस एक पॉइंट पाँच माइनस जीरो एक पॉइंट प्लस एक पॉइंट एक, तो ये आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट चार और टू पॉइंट छः, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करके देखूंगा तो ये गामा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर जैसे पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू दो आएगी एस की, एक तो जे जीरो पॉइंट सिक्स और जे वन पॉइंट सिक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू जीरो की। इसी तरीके से यदि मैं पुट करूँ पोल की, तो पोल की वैल्यू एस बराबर जीरो और एस स्क्वायर प्लस टू बराबर जीरो, ये आ जाएगा पोल। तो इसको क्या लिखोगे आप, एस स्क्वायर बराबर माइनस टू, और माइनस टू का यदि मैं वो करता हूँ अंडर रूट लेता हूँ तो वो आ जाएगा जे रूट टू, ठीक है। तो इस टाइप से अपन इसका क्या करेंगे, पोल जीरो पैटर्न बनाएंगे, पोल और जीरो पैटर्न बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका जीरो पे पोल, इसके वाला जीरो पॉइंट सिक्स है उस पर जीरो, उसके बाद माइनस जीरो पॉइंट सिक्स है उस पर भी जीरो, उसके बाद ये माइनस एक पॉइंट चार ये और ये प्लस एक पॉइंट चार है उस पर पोल, फिर एक पॉइंट छः पे आपके जीरो, ठीक है। इस टाइप से अपन इसका पोल और जीरो पैटर्न बना लेंगे, ठीक है। तो शायद आपके समझ में आया होगा आज की क्लास में जो पढ़ाया हो, तो अब इसको एक बार दोबारा ढंग से देखना, आज के दो सवाल मैंने आपको सॉल्व कराए, ये दो क्वेश्चन को देखना, और इसके अलावा जो मैथमेटिकल मॉडल है इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसको भी यहाँ पे, और इसके अलावा टाइम क्वेश्चन फॉर्म है इसको भी आप पढ़ के आना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे वाले जो पोर्शन है उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे।